प्यारे भारतवासियों, दिल्ली वासियों, आप सब सब नमन। जैसा भी आपको पता है कि लोकतंत्र प्रजातंत्र एक महत्वपूर्ण दिन 25 मई 2024 को निर्धारित है आपको अपने बच्चों का देश का भविष्य बदलने के लिए। जिस तरह से आपने पिछले 10 साल के अंदर मोदी सरकार का समर्थन किया है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर उनको मौका दिया है देश की सेवा का, और परिणाम आपके सामने है। और दूसरी तरफ है कांग्रेस का वो शासन। मैं खास तौर से दिल्ली की जनता और रानीबाग की जनता को आज संबोधन कर रहा हूँ ये, कि जिस तरह से आपने ये देखा कि 55 साल के अंदर कांग्रेस ने देश को क्या दिया, 55 साल के अंदर कांग्रेस ने देश को क्या दिया कि जो उनके नेता थे, MLA, MP, पार्षद, उनके जो प्रतिनिधि थे, उनको उन्होंने दिल्ली सरकार के अंदर चेयरमैन बनाया। 15 साल उन्होंने शासन किया, जिसको केजरीवाल की सरकार ने अन्ना हजारे के आंदोलन से पैर रखकर आए केजरीवाल जी और उनकी पूरी सरकार, उनके कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने जिस तरह से उनके खिलाफ प्रचार किया और दिल्ली की जनता ने माना कि कांग्रेस एक भ्रष्टाचारी पार्टी है और भ्रष्टाचार में लिप्त है, और उन्होंने उसको हटा के फिर केजरीवाल को मौका दिया, आम आदमी पार्टी को मौका दिया। 25 साल के शासन के अंदर आज व्यवस्था क्या है देखिए आप। दिसंबर 2022 में पार्षद का चुनाव हुआ था, केजरीवाल जी के और आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं ने, राज्यसभा तक के मेंबर सुशील गुप्ता जी ने भी प्रचार किया था कि दिल्ली में लेंटर दर की पता चलती आ रही है। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में जो भ्रष्टाचार की हुई थी, अगर कोई अपना सपनों का मकान बनाना चाहता है तो उसको लाखों रुपये लेंटर दर लेंटर रिश्वत देनी पड़ती है, वहाँ के ऊपर MCD के अधिकारी पहुँचते हैं। अब दिल्ली की जनता ने उनको मौका दे दिया, उनका पार्षद बना दिया, उनका मेयर बना दिया, और उनको पूरी उनके MCD में बहुमत था, दिल्ली सरकार में बहुमत था। लेकिन आज वोट करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि क्या दिल्ली में रानीबाग की जनता में भ्रष्टाचार खत्म हुआ, लेंटर पर लेंटर सब लोगों को आज रिश्वत देनी पड़ रही है, और कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी में घुसे और मॉल बना रहे हैं और बहुत तरह के घोटाले कर रहे हैं। ये देखना पड़ेगा जिस टाइम आप वोट देखोगे, एक विकसित भारत के लिए, एक विकसित दिल्ली के लिए और एक विकसित रानीबाग क्षेत्र के लिए। यहाँ पे पूरे क्षेत्र के अंदर 99% जो अवैध निर्माण का कारोबार चल रहा है, रानीबाग में, संत नगर में, सैनिक विहार में, ये सारा बिल्डर माफिया के हाथ में है। कोई पार्टी अपना मकान नहीं बना रही क्योंकि ये उसकी कंप्लेंट कराए थे। संत नगर चौक पे ऐसे कार्यालय खुले हुए हैं जहाँ पे स्पेशल CP दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड और प्रेजेंट IPS IAS अधिकारी बैठते हैं और कांग्रेस के नेता इनकी दलाली करते हैं, और ये कुछ लोग आम आदमी पार्टी में घुसे हैं और रानीबाग की जनता को निरंतर लूटते आ रहे हैं। जो आदमी इनकी गिरफ्त में नहीं आता उसके मकान को ये सील करवा देते हैं, तोड़वा देते हैं, लाखों रुपए हड़प करते हैं, फिर इन्हीं के लैंड माफिया उस मकान को कब्जा करते हैं, और काला धन रानीबाग के क्षेत्र के अंदर कई हजार करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है इन लोगों ने। सैनिक विहार के अंदर, रानीबाग, संत नगर, मुल्तानी मोहल्ला, कोई भी ऐसी जगह नहीं है, सोसाइटी है, जहाँ इनका पैसा काला धन ना लगाओ। इसके लिए मैं माननीय सभी अपने रानीबाग की जनता से ये अपील करूँगा कि वोट देते वक्त इस चीज़ को ध्यान में रखें। इन्होंने सरकारी ज़मीनें कब्जा कर रखी हैं, करते जा रहे हैं, इनको कोई रोक नहीं पा रहा। तो अगर आप चाहते हैं कि एक विकसित भारत हो, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त, भय मुक्त रानीबाग, तो वोट करते वक्त अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें, अपना भविष्य मजबूत करें और एक ऐसे शक्तिशाली सरकार अपने वोट के माध्यम से उसको चुनें, ताकि आपके और आपके बच्चों की और देश के भविष्य की जो है एक विकसित एक शक्तिशाली भारत आपका नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन सके और आपका सपना पूरा हो सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।